नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध संवाद यूट्यूब चैनल। आज की ताजा व बड़ी खबरें। बिहार के कर्मचारियों को अब मिलेगा नए टेक्निक से वेतन, होगा नए फार्मूले का इस्तेमाल, वेतन निकासी नए सॉफ्टवेयर वर्जन का होगा इस्तेमाल, सैलरी 2.0 वर्जन के माध्यम से होगा वेतन का भुगतान। अब पूरी खबर विस्तार से। बिहार के कर्मचारियों को अब नए टेक्निक से मिलेगा वेतन, नए फार्मूले के आधार पर होगा वेतन का निकासी। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन निकासी को लेकर नए सॉफ्टवेयर वर्जन का इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त विभाग ने इस वर्जन को CFMS से जोड़ने का निर्णय लिया है। वेतन की निकासी को लेकर प्रतिदिन किसी न किसी विभाग या सरकारी कार्यालय से वित्त विभाग को शिकायतें मिलती रहती है। कई बार शिक्षकों के वेतन के भुगतान में भी परेशानी आई है, तो दूसरे विभागों के कर्मियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। विभाग ने इस समस्याओं का निराकरण नए सॉफ्टवेयर वर्जन से किया है। राज्य में सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब 4 लाख है। वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव सहित सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी पुलिस महानिरीक्षक व उप महानिरीक्षक, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं कोषागार पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि CFMS के तहत वेतन की निकासी के लिए सैलरी 2.0 वर्जन के माध्यम से किया जाए। इसके माध्यम से ही राज्य कर्मियों का वेतन भुगतान किया जाना है। इसके माध्यम से कई अन्य सुविधाएं भी दी गई है। कर्मचारी का वेतन बिल किस अधिकारी या कार्यालय के स्तर पर लंबित है यह पता चल जाएगा। इसे मार्कर या चेकर लिस्ट से देखा जा सकेगा। वहीं पे बिल बनाते समय कर्मचारी के पे बिल को स्टॉप करने का प्रावधान भी रहेगा। साथ ही नए वर्जन में यूजर इंटरफेस को भी विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त अलॉटमेंट से कटौती संपूर्णकर्ता द्वारा पे बिल के निपटारे के बाद ही होगा। इधर प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार के डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि वर्तमान में CFMS में वेतन बिल से संबंधित दृष्टिगत समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। इसके बावजूद कोई समस्या होती है तो विभाग को इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं या अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।